जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच एक बार फिर हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गौ तस्कर को पैर में मारी गोली। वहीं पुलिस के गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि बीती रात सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में खुटान थाने की पुलिस उजानगंज और जो है सिंगरामऊ की संयुक्त पुलिस की टीम के साथ जो है गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गौ तस्कर के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देश पर लगातार जो है अपराधियों पर जो है गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गौ तस्करों पर जो है अभियान चलाए वो तो वही सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में देर रात जो है मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जौनपुर से विवेक कुमार। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस गौ तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल को किया बरामद। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारा रिटर्न न्यूज पर। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में बीती रात थाना क्षेत्र सिंगरामऊ के अंतर्गत एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ सदाबू निवासी मानीकला थाना खेतासराय को गिरफ्तार करने के दौरान अभियुक्त द्वारा संयुक्त पुलिस टीम, जिसमें थाना प्रभारी सिंगरामऊ, सुजानगंज, महाराजगंज एवं खुटहन शामिल थे, उनकी टीम पर अभियुक्त द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए फायर किया गया, जो उसके दाहिने पैर में लगी। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शहाबुद्दीन उर्फ सदाबू निवासी मानीकला थाना खेतासराय के रूप में हुई। इसके विरुद्ध 13 मुकदमे दर्ज है। एक शातिर गोकस एवं गो तस्कर है। इसके कब्जे से मौके से ही एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।